दोस्तों आज के इस वीडियो में बताएंगे कि मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन आ चुका है। अगर आप भी अपने चैनल पर ज्वाइन बटन इनेबल करना चाहते हैं तो कैसे इनेबल करेंगे, पूरी चीज़ आपको इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल के साथ ज्वाइन होना चाहते हैं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाएगी 3 प्लान, सिल्वर और गोल्ड और डायमंड। किसी भी एक प्लान के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। ज्वाइन होने के बाद आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कॉल पर या व्हाट्सएप मैसेजर पर, जिससे आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो या किसी भी तरह की जानकारी आप डायरेक्ट ले सकते हैं बिना किसी देरी के। और आपको हर वक्त हेल्प मिलेगा अगर आप ज्वाइन करके हमारे चैनल के पेड मेंबर बन जाते हैं। जो भी प्लान करना है वो प्लान को सिलेक्ट करेंगे, ज्वाइन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एटीएम डिटेल देके अपना नाम पूरा एड्रेस देके आप यहाँ से बाय कर सकते हैं, हमारे चैनल के साथ पेड मेंबर बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं अपने चैनल पर ये ज्वाइन बटन कैसे इनेबल करते हैं। उसके लिए आपको अपने चैनल की यूट्यूब स्टूडियो में आ जाना है। यूट्यूब स्टूडियो में आने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा मोनिटाइजेशन, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलता है मेंबरशिप का ऑप्शन। यह मेंबरशिप का ऑप्शन सभी को नहीं मिलता है। यह मेंबरशिप के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई टारगेट नहीं रहता कि इतना सब्सक्राइबर इतना वॉच टाइम आपको पुराना होगा तब आपको ज्वाइन बटन मिलेगा। जब भी YouTube को लगे कि हाँ आपको ज्वाइन बटन दे देना चाहिए तो YouTube आपको खुद ब खुद ये ज्वाइन बटन दे देता है। इसके लिए कहीं अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना ही इसके लिए कोई सब्सक्राइबर की लिमिट, इतना सब्सक्राइबर इतना वॉच टाइम। जैसे ही YouTube को लगे कि आपको चैनल को ज्वाइन बटन दे देना चाहिए तो YouTube आपको ज्वाइन बटन दे देगा। ज्वाइन बटन दे दिया ये कैसे पता करेंगे, मोनिटाइजेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर यहाँ पे आपको मेंबरशिप का ऑप्शन आ रहा है तो इसका मतलब है आपको ज्वाइन बटन मिल चुका है। तो चलिए मेंबरशिप पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मेंबरशिप पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको चार स्टेप से गुजरना होगा। पहला आपको मेंबर ऑफर करना होगा पूरी। तो यहाँ पे आपको पहला स्टेप में आपको सेलेक्ट करना, प्लान सेलेक्ट करना होगा, कौन से प्लान में कितना प्राइस देना होगा वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे देना होगा। उसके लिए स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे 3 प्लान ऑलरेडी बने रहते हैं, इसको आपको एडिट करना होगा। और नेम लेवल 2 पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक प्लान का कोई भी नाम दे सकते हैं, मनपसंद जो भी नाम देना चाहते हैं वो नाम यहाँ पे दे सकते। चलिए यहाँ पे कोई एक नाम देंगे, सिंपली से मैं यहाँ पे एक नाम सिल्वर प्लान के नाम से यहाँ पे एक मैं प्लान का नाम दे चुका हूँ। उसके बाद इस प्लान से अगर कोई ज्वाइन होगा, इस प्लान से अगर कोई ज्वाइन होगा तो उसको कितना रुपए पेमेंट करना होगा मंथली, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सबसे कम 29 रुपीज़ है और ज़्यादा यहाँ पे 7999 तक है। तो जो भी प्लान आप सिल्वर प्लान के साथ रखना चाहते हैं, मतलब सिल्वर प्लान जो भी ज्वाइन करेगा उसको कितना रुपये पेमेंट करना होगा वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको नीचे आएंगे, उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि आप जो यहाँ पर 59 रुपीज़ पेमेंट लेंगे तो इसके बदले में आप अपने मेंबर को क्या देने वाले हैं वो आपको यहाँ पे क्रिएट करना होगा, ठीक है। उसके लिए यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट पे क्लिक करने यहाँ बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे उसके साथ लाइव आ सकते हैं, उसको कुछ फ़ोटोज़ वॉलपेपर GIF या कोई भी चीज़ उसको स्पेशल आप दे सकते हैं जो आपके चैनल के साथ ज्वाइन करेगा, या उसके लिए स्पेशल वीडियो आप अपलोड करेंगे। जो भी आप उसको ऑफर देना चाहिए वो देंगे, उसको आप डिस्क्रिप्शन देना चाहिए दे सकते हैं, नहीं तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अनलेम लेवल 2 पे क्लिक करेंगे। अगर दूसरा प्लान के साथ कोई ज्वाइन होगा, जब भी कोई भी बंदा आपके चैनल पे जाएंगे वहाँ पे ज्वाइन पे क्लिक करेगा, वहाँ पे 3 प्लान रहेगा, किसी भी एक प्लान के साथ वो आपके चैनल के साथ ज्वाइन हो सकता है। तो यहाँ पहला प्लान कंप्लीट हो चुका, आप दूसरा प्लान यहाँ दूसरा प्लान का नाम देंगे। तो चलिए यहाँ पे दूसरा प्लान का हम एक नाम गोल्ड प्लान दे दिए हैं, और इस गोल्ड प्लान के साथ हम क्या मंथली चार्ज यहाँ पे मेंबर को मेंबर से लेना चाहते हैं वो आपको पहले सेलेक्ट करना होगा। उसको क्या रेट गोल्ड प्लान के मेंबर को क्या कितना पेमेंट लेना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, जितना भी लेना चाहे आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इसके बदले में इसको क्या देने वाले हैं अपने मेंबर को वो यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके लिए लाइव आ सकते हैं, उसको कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्रिएट करके आप दे सकते हैं, उसको लिए स्पेशल कुछ आप जो भी देना चाहें यहाँ पे लिस्ट दी गई, लिस्ट से आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं। उसी के साथ यहाँ पे लेवल 3 का नाम देंगे, तो यहाँ पे उसको ये प्राइस सेट कर लेंगे। इसी तरह आपको सभी प्राइस सेट कर लेना होगा, ठीक है। तो चलिए हम फटाफट यहाँ पे तीनों प्लान सेट कर लेते हैं। अगर चाहते हैं तो 100 ज़्यादा प्लान आप सेट कर सकते हैं, लेकिन ये 3 प्लान आपको सेट करना अनिवार्य होता है।
अगर चाहे उसके बाद और प्लान ऐड करने के लिए यहाँ पे ऐड लेवल पर क्लिक करके जब पूरी चीज़ आपका कंप्लीट हो जाए, मैं आप तीनों कंप्लीट हो उसके बाद सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए, उसके बाद कैंसिल करेंगे तो ये देख सकते हैं हमारा ये हो चुका है, पूरा प्राइज वगैरह यहाँ पर आ चुका है। अब दूसरा यहाँ पर अपलोड इमोजी वगैरह अपलोड करना होगा कि इसके लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। इमोजी वगैरह यहाँ पर आपका यूट्यूब के द्वारा भी कुछ दिए गए हैं, उसको यूज कर सकते हैं। यूज पे क्लिक करेंगे तो YouTube के द्वारा जो दिए गए वो आपको यहाँ पे शो कर देंगे। खुद का अपलोड करेंगे, अपलोड माय ऑन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको अपलोड करने के बोल रहा है, मतलब जो भी आपके चैनल के साथ न्यू मेंबर आएंगे यहाँ पे जो पेज अपलोड करेंगे तो उसके नाम के साथ वो पेज लग जाएगा। जैसे कॉमेंट करेगा सबसे पहले उसको आपको उसका कॉमेंट दिखाई देगा और वो कॉमेंट ऊपर में रहेगा। अगर वही मेंबर एक महीना पुराना हो जाता है तो उसको बेज क्या मिलना चाहिए वो आप सेलेक्ट करेंगे। दो महीना पुराना हो जाए उसको क्या मिलना चाहिए, छः महीना पुराना हो जाए मेंबर तो उसको क्या बेज मिलना चाहिए, मतलब उसके नाम के साथ क्या बेज लगना चाहिए वो आप यहाँ से अपलोड करेंगे। चलिए हम अपलोड करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अपलोड कर चुका हूँ एक, और इसी तरह सेलेक्ट इमेज करके आपको पूरी चीज़ अपलोड करनी है, सभी के लिए बेज आपको अपलोड करने होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने सभी को अपलोड कर चुका हूँ। उसके बाद इमोजी को अपलोड करना, इमोजी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं इमोजी को अपलोड करना होगा। इमोजी का नाम देना होगा, जो नाम अपलोड करें मतलब लाइक बटन अपलोड करें, लाइक लिखेंगे जो भी अपलोड करेंगे उसका नाम देंगे, उसको यहाँ सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करके अपलोड करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने सभी को नाम दे दिया हो, उसको अपलोड कर दिया हो, मतलब कि जो भी आदमी मतलब हमारे मेम्बर होंगे वो कमेंट में ये सब चीज़ का उपयोग कर सकते हैं। जो भी मेंबर होंगे वो कमेंट में ये सब चीज़ का इमोजी को उपयोग कर सकते हैं। इसको नाम देख चुके सारा चीज़, उसके बाद सेव बटन पे क्लिक करेंगे। सेव बटन पे क्लिक करने में यहाँ पर देख सकते अपलोड इमोजी हो चुकी है, हमारी ये इमोजी भी अपलोड हो चुकी है। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे सारा चीज़ अपलोड हो चुकी है, अब तीसरा और चौथा स्टेप हम अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। पहले जो मेरा पहला और दूसरा स्टेप है इसको अप्रूवल के लिए देंगे। अप्रूवल के लिए देने के लिए पहले वाले ऑप्शन पर आएंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे मेंबर को जो प्लान सेट किए थे उस पर एडिट पे क्लिक करेंगे। एडिट पे क्लिक करने का पूरा डिटेल आ जाएगी जो आपने किया दिया है। सबमिट फॉर रिव्यू पे क्लिक करेंगे, जो आपने दिया वो सारा चीज़ यहाँ पे आएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चेक कर लिए सारा चीज़ सही है, उसके नीचे में टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें, कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ बताया जाएगा इसको अप्रूवल होने में कम से कम 24 घंटे के समय लगेंगे। तो ये सारा चीज़ आप देख सकते हैं, नीचे आ जाएंगे इसको टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ लेंगे। टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ने के बाद सबसे नीचे आ जाएंगी, दोनों बॉक्स आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पे आपको देना होगा अपना फुल नेम, ईमेल आईडी, कंपनी नेम, और नीचे में दोनों बॉक्स में डबल टिक लगाना होगा, दोनों बॉक्स में टिक लगा देना होगा। टिक लगाएंगे उसके बाद नीचे में आपको मिलेगा सबमिट फॉर रिव्यू। जब आपका एप्लीकेशन सबमिट रिव्यू के लिए चले जाएगा तो यहाँ भी देख सकते हैं रिव्यू के लिए जा चुका है, और यहाँ भी देख सकते हैं इन रिव्यू में बता रहा हमारा ये इन रिव्यू मतलब रिव्यू के लिए YouTube टीम के पास चले गया है। YouTube टीम जब भी इसे अप्रूवल कर देगा उसके बाद हमारा ज्वाइन बटन स्टार्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे सेटअप जो मेंबर का ऑफर था वो प्राइस वगैरह सेट कर चुके हैं। सेट करने के बाद इसको अप्लाई भी कर दिए थे। अप्लाई करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं 24 घंटे के अंदर हमारा जो ये अप्रूवल कर दिया गया है। तो उसके साथ नीचे आएंगे तो यहाँ पे अपलोड इमोजी भी मेरा डन हो चुका है। अब यहाँ पर एक अलॉसमेंट करना होगा, एक वीडियो बना के अपलोड करना होगा जिसमें अपने चैनल को मेम्बर को बताना होगा कि मेरे चैनल पर, अपने फ्रेंड्स को बताना होगा कि मेरे चैनल पे ज्वाइन बटन इनेबल हो चुका है, ज्वाइन बटन आ चुका है। उस ज्वाइन बटन को ज्वाइन करके आप हमारे चैनल के साथ एक मेंबर, पेड मेंबर बन सकते हैं। अलॉसमेंट करने के लिए यहाँ स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद कुछ इस तक आ जाएगा। यहाँ पे अपलोड एनालिस्ट वीडियोज़ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक वीडियो आपको अपलोड करनी होगी। तो चलिए यहाँ पर यूट्यूब स्टूडियो ओपन हो चुकी है, यहाँ पे सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करेंगे और एक वीडियो रिकॉर्ड करके, खुद का वीडियो रिकॉर्ड करके जिसमें बताना होगा मेरे चैनल पे ज्वाइन बटन आ चुका है, उस टाइप का जो भी वीडियो रिकॉर्ड करना होगा आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। या आप हमारी ये वीडियो देख लीजिएगा, मैं आपको यूट्यूब के स्टेटस स्टोरी पर लगा दूँगा और यहाँ पर भी मैं अभी पब्लिक करूँगा तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को अपलोड कर चुके हैं, वीडियो को सिलेक्ट कर चुके हैं, इस वीडियो को अपलोड कर देना होगा। तो चलिए इस वीडियो को होने देते हैं अपलोड। तो वीडियो हो चुका अपलोड।
वीडियो अपलोड करनी है, यहाँ पे एक टाइटल भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया फाइनली ज्वाइन बटन लाइव ऑन माय यूट्यूब चैनल। उसके साथ यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे मोनिटाइजेशन को, यहाँ पे इसको भी इनेबल हम कर देते हैं। डन करेंगे, नेक्स्ट क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे ये वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमको अनलिस्ट वीडियोस को सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करेंगे। तो ये सेव हो रही वीडियो, वीडियो सेव हो चुकी है। अब हमको फिर इसी पे आना होगा और यहाँ पे डन बटन पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे देखिए डन पे क्लिक कर चुके हैं, चेंज सेव। तो जैसा कि देख पा रहे हैं अनाउंसमेंट भी हमारा यहाँ पे डन हो चुका है। अब यहाँ पे एक पोस्ट करना है अपने मेंबर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे और एक पोस्ट करेंगे, नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे क्रिएट कम्युनिटी पोस्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम एक पोस्ट कर देंगे, चलिए वही मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ जो डिस्कशन दिया था, और साथ साथ मैं एक वीडियो भी अपलोड कर देता हूँ। सेलेक्ट वीडियो पे क्लिक करेंगे और वो वीडियो भी अपलोड कर देते जो मैंने वहाँ पे अपलोड किया था। यहाँ पे URL भी वीडियो का दे सकते हैं, तो यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं, योर वीडियो जो भी देना है वो आप दे सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो का URL दे सकते हैं। तो चलिए ये वीडियो मैंने सेलेक्ट कर चुका हूँ, उसके बाद सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे और ये वीडियो भी हमारा आ चुका है और ये भी हमारा फाइनली ज्वाइन हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक करेंगे, ये हमारा पोस्ट भी अब सक्सेसफुली कम्प्लीट हो चुका है। उसके बाद फिर से इसी पे आएंगे, इस पे आने के बाद यहाँ पे देखिए ये सक्सेसफुली अब हो चुका करियर। उसके बाद डन बटन पे क्लिक कर देंगे, डन बटन पे क्लिक करने ये देखिए पोस्ट भी हमारा डन हो चुका है। तो चलिए अब चेक कर लेते हैं हमारे चैनल पे क्या मेंबरशिप का बटन आया या नहीं आया। यहाँ पे देख सकते ये भी 100% हो चुका है। ज्वाइन बटन को यहाँ से आप इनेबल और डिसेबल भी खुद से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए 100% यहाँ पे तुरंत ऑन पे क्लिक करेंगे, इसका कुछ इस तरह आएगा, यहाँ पे ऑन पे क्लिक कर देंगे। अब ये जो ऑन का ऑप्शन है हमारे चैनल पे ज्वाइन बटन, ये इनेबल हो चुका है। अब यहाँ पे जितने भी हमारे जो अर्निंग होती है वह सारा चीज़ यहाँ पे शो करते हैं। उसके बाद यहाँ पे तुरंत मेरे चैनल पे ज्वाइन बटन इनेबल कर दिया गया। आप तुरंत इस इतना चीज़ करने के बाद तुरंत आपके चैनल पे इनेबल कर दिया जाता है। और यहाँ से देख सकते हैं कितने लोगों ने सिल्वर कलर बटन के साथ मेंबर लिया है, गोल्ड के साथ, डायमंड के साथ, कितना अर्निंग वगैरह सारा चीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद फिर से हम अपने चैनल पे आ चुके हैं, यहाँ पे देखिए एक ज्वाइन बटन यहाँ पे भी